बड़ी बड़ी सड़कों के लिए यहाँ के लिए लगातार उसकी पैरवी करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो आसपास में हमारे अल्मोड़ा में पिथौरागढ़ में जो आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, उन सभी में भारत सरकार में हो या राज्य सरकार में हो आपके प्रतिनिधि के नाते लगातार ये काम करते रहे हैं। मैं आज इन्हीं के लिए आप सबसे आपका मत मांगने के लिए, आपका आशीर्वाद देने के लिए, आपका समर्थन देने के लिए और भाई अजय कंता जी को यहाँ से भारी मतों से विजय बनाने के लिए और जो वोट आप अजय कंता जी को देंगे उसका एक एक वोट जितना भी आप कमल के फूल वाला बटन दबाएंगे वो सारा का सारा मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सारे वोट वहां से हो जाएंगे। भाइयों बहनों हम सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री आपने मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में भारत बुलंदियों की ओर बढ़ा है, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनने की ओर बढ़ा है और पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजा है, भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है, पूरी दुनिया आज भारत के रूप का इंतजार करती है कि कोई घटना होती है कोई विश्व में हलचल होती है तो पूरी दुनिया भारत के रूप का इंतजार करती है कि भारत क्या कहने वाला है। ये नया भारत बनाने का काम मोदी जी ने किया है भाइयों बहनों, 10 सालों में सड़क हो, अस्पताल हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हो, ये बड़े स्तर पर इनका निर्माण हुआ है और भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन गया है। भाइयों बहनों हम जानते हैं जहां कोरोना महामारी जैसी महामारियां आई देश के अंदर और अनेक परेशानियों का चुनौतियों का सामना किया गया, देश को भी चलाया गया, देश की ग्रोथ भी कंपनी हमने दी और आज दुनिया की सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था बनाने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों मोदी जी के नेतृत्व में हम एक विश्व शक्ति के रूप में आज दुनिया में जाने जा रहे हैं, विश्व शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है कि आज प्रधानमंत्री जी के अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति है, नेतृत्व क्षमता है। भाइयों बहनों दूरदर्शी और कुशल उनका हर तरीके से विजन है, उसी विजन का परिणाम है कि आज हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अपने भाइयों बहनों मोदी जी ने हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है, विशेष रूप से मैं आज यह त्योहार का दिन भी है मैं आप सबका बहुत विशेष धन्यवाद अपनी माताओं बहनों का करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं। सचमुच आपको देख के मैं कह सकता हूँ मोदी जी के प्रति, हम सब लोगों के प्रति, भाई अजय कंता जी के प्रति आपके मन में अपार स्नेह है, अपार आशीर्वाद आप देने के लिए आए हैं। और एक बात मैं बिल्कुल देख रहा हूँ आज चूंकि कार्यक्रम भी लेट होना था, एक डेढ़ घंटे पहले हम लोग आ गए, इतने कार्यक्रमों में भी जाना है लेकिन आपकी इतनी बड़ी संख्या जितनी इस मैदान में है इससे ज्यादा लोग बाहर घूम रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अजय जी कि आज बागेश्वर विधानसभा गरुड़ क्षेत्र से एक रिकॉर्ड तोड़ जितनी पिछले बार का रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड आपका टूटने वाला है, इस बार आपके लिए भी जो है ये हो रहा है कि अपने रिकॉर्ड आप खुद ही तोड़ दोगे। तो भाइयों बहनों मोदी जी ने जनधन योजना चलाई, मोदी जी ने उज्ज्वला योजना चलाई, हमारी माताओं बहनों को धुएं से आप धुएं में आप धुएं में खाना न बनाना पड़े, उनको धुएं से मुक्ति मिले, किसान सम्मान समृद्धि योजना चलाई, पीएम आवास योजना चलाई, आयुष्मान भारत योजना चलाई, गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और लखपति दीदी योजना चलाई है। हमारी जो मोदी जी की प्राथमिकताएं रही है, मोदी जी की प्राथमिकता रही है गरीब कल्याण, हमारे युवा नौजवानों को कौशल विकास, हमारी मातृशक्ति को आगे लाना, गरीबों को आगे लाना, भाइयों बहनों और किसानों की समृद्धि के लिए काम करना, ये उनकी प्राथमिकताओं में रही है। ये योजनाएं कागजी खानापूर्ति नहीं है बल्कि ये मोदी जी की गारंटियां है जिससे देश के आज करोड़ों लोगों के जीवन में खुशहाली आ रही है। भाइयों बहनों इसके साथ साथ हम सभी जानते हैं मोदी जी ने ऐसे ऐसे निर्णय किए हैं जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं थे, लोग सोचते थे कश्मीर में धारा 370 समाप्त नहीं होगी और धारा 370 समाप्त होगा तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगे भाइयों बहनों, लेकिन मोदी जी ने 56 इंच का सीना दिखाते हुए एक झटके में कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी भाइयों बहनों और धारा 370 ही समाप्त हो गई, कश्मीर के अंदर आज अमन चैन और शांति स्थापित हो गई, कश्मीर आज दुनिया का एक ऐसा स्थान बन गया जहां पर्यटकों की संख्या बढ़ गई,
देश दुनिया के लोगों के सामने आज कश्मीर का महत्व अलग से बढ़ गया भाई। इसके साथ साथ तीन तलाक का कानून देश के अंदर लागू करके मुस्लिम बहनों को तीन तलाक से मुक्ति दिलाने का काम किया। नागरिकता संशोधन विधेयक लाकर इस विधेयक को लागू करने का काम किया और भारत को सामरिक रूप से भी सुरक्षा की दृष्टि से भी मजबूती प्रदान करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। और अब कोई दुश्मन हमारी ओर आंख उठाकर देखता है तो भारत की सेना दुश्मन के जमीन पर सीमा पार जाकर उसको मुंहतोड़ जवाब देती है, उसको नेत्रभूत करने का काम करती है, सर्जिकल स्ट्राइक करती है भाई बहन। और सेना को आज सीधे सीधे आदेश है, कोई गोली अगर दुश्मन की आती है तो गोली का जवाब देने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है। गोली आएगी तो गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। ये नया भारत बनाने का काम, आज सेना को हर प्रकार से सशक्त बनाने का काम, उनके मनोबल को ऊंचा बढ़ाने का काम। भाइयों बहनों, हमारे यहाँ उत्तराखंड से प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, कहीं ना कहीं देश की सीमाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भाइयों बहनों, हम जानते हैं मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैंने देखा है।